कि बिहार काडर के 2012 बैच के आईएएस ऑफिसर संजीव कुमार यादव एवं उनके पिता चंद्रिका यादव के ऊपर में अविलंब जांच कराई। इन आईएएस बेटे और बाप ने मिलकर के अकूत दौलत इकट्ठा करी है। जिला अधिकारी रहते हुए संजीव कुमार ने मठ मंदिर चर्च की जमीन को बिछवा करके अरबों रुपए। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। झारखंड कैडर के 2000 बैच की अधिकारी पूजा सिंगल के कल बिहार झारखंड समेत 7 ठिकानों पर, 7 जगहों पर, 7 शहरों में छापा पड़ा है। ईडी का छापा पड़ा है। 25 करोड़ का कैश बरामद हुआ है और उसके बाद न जाने कितने करोड़ की संपत्ति जो है वो जब्त हुई है। इसको लेकर अब बिहार की राजनीति जो है वो गर्म होने लगी है, क्योंकि बिहार में हम पार्टी है। हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा है, जो कि जीतन राम मांझी की पार्टी है उसके प्रवक्ता हैं दानिश रिजवान, उन्होंने कहा है कि झारखंड के आईएएस अधिकारी पर तो छापा पड़ा है, क्योंकि उनके पास धन कुबेर था, खजाना था पूरा, जो कि उन्होंने गलत तरीके से कमाया था, तो उनके यहाँ छापा पड़ा। लेकिन बिहार के जो आईएएस अधिकारी हैं उनके घर कब छापा पड़ेगा? उन्होंने 2 आईएएस अधिकारी का नाम भी बताया है जो कि पिता और पुत्र हैं। उन्होंने कहा है कि दोनों लोग जो है वो बहुत पैसा इकट्ठा किए हैं, बहुत सारा धन जो है वो इकट्ठा किए हैं। और क्या कुछ कह रहे हैं दानिश रिजवान, सुनिए। देखिए, झारखंड में धन कुबेर आईएएस ऑफिसर पूजा सिंघल पर तो कार्रवाई हो गई, लेकिन बिहार में धन कुबेर आईएएस ऑफिसर पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं बिहार सरकार और ईडी से मांग करता हूं कि बिहार काडर के 2012 बैच के आईएएस ऑफिसर संजीव कुमार यादव एवं उनके पिता चंद्रिका यादव के ऊपर में अविलंब जांच कराएं। इन आईएएस बेटे और बाप ने मिलकर के अकूत दौलत इकट्ठा करी है। जिला अधिकारी रहते हुए संजीव कुमार ने मठ मंदिर चर्च की जमीन को बिछवा करके अरबों रुपए अर्जित करे हैं। इसलिए मैं राज्य सरकार से डिमांड करता हूं कि झारखंड के तर्ज पर बिहार काडर के आईएएस ऑफिसर संजीव कुमार यादव एवं उनके पिता चंद्रिका यादव के ऊपर में अविलंब कार्रवाई करें। इन लोगों ने भी अकूत दौलत अर्जित करके रखी। तो सुना आपने, दानिश रिजवान ने साफ तौर पर बिहार सरकार से और ईडी से मांग किया है कि बिहार के भी ये जो 2 अधिकारी हैं इनके घर छापा पड़ना चाहिए, क्योंकि ये लोग मंदिर मस्जिद और मठ के जमीन को दूसरे से बेचकर या यूं कहें कब्जा करवाकर करोड़ों या अरबों खरबों की संपत्ति इकट्ठा की है। बता दें कि पूजा सिंगल जो हैं उनके घर कल जब ईडी का छापा पड़ा है तो लगभग 25 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए, और छापा जो है बिहार झारखंड समेत 7 शहरों में पड़ा हुआ है। यहाँ तक कि बिहार में उनका ससुराल था, ससुराल में भी छापा पड़ा है। और पूजा सिंगल अभी जो है खनन विभाग में सचिव है, उनके घर छापा पड़ा है। लगातार ईडी का रेड है, वो पड़ रहा है, पैसों की बारिश हो रही है पूजा सिंगल के घर। और ऐसे में बिहार की तरफ से भी अब मांग उठने लगा है, जीतन राम मांझी के पार्टी की तरफ से ये मांग उठने लगा है कि झारखंड के बाद अब बिहार के भी आईएएस अधिकारियों के घर छापा पड़ना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी गलत तरीके से पैसा इकट्ठा किया है और इनके यहाँ भी करोड़ों अरबों की संपत्ति आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि गलत तरीके से कमाए हुए हैं। ऐसे में बिहार सरकार और ईडी से जीतन राम मांझी का मांग है कि बिहार के आईएएस अधिकारियों के यहाँ भी छापा पड़े। अब देखने वाली बात यह है कि जीतन राम मांझी की मांग को क्या बिहार सरकार और ईडी पूरा करती है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहते इंडिया टॉप।